हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है यूआर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो इंस्टाग्राम के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी यूज़र की प्रोफाइल को विजिट करते हैं तो आपको उनकी जो डिस्प्ले पिक है, डीपी होती है, जो वो छोटे साइज़ में दिखाई देती है, तो अगर आप उस पर टैप करते हैं तो वो जूम इन जूम आउट नहीं होती है, यानी कि छोटे साइज़ में ही दिखाई देती है। तो अगर आप इसको फुल साइज़ में देखना चाहते हैं, जूम करके देखना चाहते हैं, तो यही मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि इंस्टाग्राम में कैसे किसी की भी डीपी को फुल साइज़ में या जूम करके कैसे देखते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यूअर टेक बफ यूट्यूब चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही उसके साइड में घंटी का आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी दबाना मत भूलिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्ले स्टोर में से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी अपने फ़ोन के अंदर। तो हो सकता है आपको पहले से ही इस एप्लीकेशन के बारे में पता हो, तो अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। तो मैं यहाँ से प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और प्ले स्टोर में हमें यहाँ पर टाइप कर देना है क्विक, QWEK। तो जैसे आप ये सर्च करेंगे तो एक एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसका नाम है क्विक फॉर इंस्टाग्राम जूम प्रोफाइल इंस्टा डीपी। तो आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन हो जाती है आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखाई देगा। ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है इस एप्लीकेशन का। तो आपको यहाँ पे क्या करना होता है, आप जिस भी यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर को बड़े साइज में देखना चाहते हैं उनका यूज़र नेम आपको यहाँ पे टाइप करना होता है। तो अगर आपको यूज़र नेम याद है तो आपने यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूज़र नेम टाइप करने के बाद आपने सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ये आपको यहाँ पे सर्च करके यूज़र की फ़ोटो दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डीपी दिखाई दे रही है, हमें इसको टैप करना होगा। तो जैसे हम इसको टैप करेंगे ये हमें बड़े साइज़ में अब दिखाई दे गई है। तो आप चाहे तो इसको जूम करके भी देख सकते हैं, और अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं यहाँ पर जो क्रॉस का बटन दिखाई दे रहा है इस पर दबा करके इसको क्लोज़ कर देंगे। तो इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप अगर डीपी को सेव करना चाहते हैं इसको सेव भी कर सकते हैं, आपने सेव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो इमेज है हमारी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो मैं आपको गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी गैलरी में यहाँ पर ये इमेज दिखाई दे रही है, मैं इस पर टैप कर देता हूँ। तो ये जो इमेज है हमारी गैलरी के अंदर अब सेव हो चुकी है, अब हम इसे जब मर्जी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, क्विक एप्लीकेशन को यूज़ करने का एक और तरीका भी है। अगर आपको यूज़र नेम याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पे आपने उसी यूज़र की प्रोफाइल पे आ जाना है जिसकी भी डीपी को आप बड़े साइज़ में देखना चाहते हैं। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो तीन बिंदु का साइन दिख रहा है इस पर आपने टैप करना है, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कॉपी प्रोफाइल URL, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इस यूज़र का प्रोफाइल का जो लिंक है वो कॉपी हो चुका है। उसके बाद आप दोबारा क्विक एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे। तो जैसे आप क्विक एप्लीकेशन पर जाएंगे तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपने जो भी URL कॉपी किया है इसने डिटेक्ट कर लिया है। ये मैसेज दिखाएगा, आपने इस पर येस कर देना है, और फिर ये सर्च करेगा यूज़र को और यहाँ पे आपको दिखा देगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे इमेज आ गई है, डिस्प्ले पिक आ गई है। अब इस पर आप टैप करके इसको बड़े साइज़ में देख सकते हैं। तो ये इमेज बड़े साइज़ में आ गई है, अब इसको जूम करके देख सकते हैं। तो हमने जो है सक्सेसफुली डिस्प्ले पिक को देख लिया है बड़े साइज़ में। और मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं कि इसको कैसे देख सकते हैं। पहले तरीके में सीधा यूज़र नेम डालना है, और जो दूसरा तरीका है उसमें आप प्रोफाइल पे जाके कॉपी कर लेंगे लिंक को और यहाँ पे अपने आप डिटेक्ट हो जाएगा। तो आपने सीख लिया है कि इंस्टाग्राम में किसी भी डिस्प्ले पिक को आप कैसे फुल साइज़ में या बड़े साइज़ में देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आया है। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करना है, साथ ही इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।